नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1349वें दिन का ये क्लास है और दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, समझें, कैसे जो है इंग्लिश में शुद्ध शुद्ध लिखें। बहुत सारी बातें जो कि आप नहीं जानते होंगे आज आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँ कि अगर आप वर्ड मीनिंग की सोच में है कि पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग आएगा, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ पार्ट्स वर्ड जो है बढ़ गए हैं, तो उन पार्ट्स वर्ड को देखेंगे और कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में बेसिक जानकारियाँ पहले ले लेंगे। वर्ड्स जो वर्ड मीनिंग है जो 12 आता है हिंदी वाले रोज डेली यूज वाले, उसको मैंने लास्ट में आज की वीडियो में मैंने फिर से रखा है। तो चलिए, दूसरी ऐसी मतलब इंग्लिश बोलने वाली आबादी के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है इंडिया है। यानी कि इस देश में विविधता होने के बाद अनेकों भाषा, चार कोस पे दो कुछ कितने लोग दो कोस पे कहते हैं, कितने लोग चार कोस पे कहते हैं कि भाषाएं बदलती है, लेकिन फिर भी जो है इंग्लिश को लेकर दीवानगी इस तरह से है कि हर कोई इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश बोलना और समझना चाहता है। तो फिर इसी कड़ी में एक और नया वीडियो आपके सामने है और आप जो आज देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट जो है बहुत सामान्य सा बात है कि हर एक भाषा में अपना अपना वर्णमाला होता है। ठीक है, वर्णमाला से इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और हालांकि इंग्लिश में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहेंगे, हर एक भाषा में अपना अपना वर्णमाला होता है। यानी कि इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना अल्फ़ाबेट है। और देखिए, हमारी भाषा जो है देवनागरी हिंदी भाषा, उसको उसकी लिपि देवनागरी है, जबकि इंग्लिश, जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि जो है रोमन लिपि। ये जो लिखा आप देख रहे हैं ऊपर, चाहे 2 या 6 हो, ये सारे के सारे रोमन लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, रोमन लिपि में लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि समझ लेना है भाई, रोमन लिपि ही हमारी इंग्लिश की जो है कुंजी है, मेन है। अब 26 लेटर है, तंग है। ठीक है, अभी भी जो है इसके पास जो अपना अल्फ़ाबेट है वो, उसका स्थिति क्या है कि बहुत कमज़ोर है, छोटा है। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें होने हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने होते हैं आपको पता चल जाता है। देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर कौन कौन से हैं समझ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर हैं और इतने ही स्मॉल लेटर होते हैं। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट में एक होता है कैपिटल लेटर, जो कि आपने ऊपर देखा, नीचे जो है आप देख रहे हैं वो है स्मॉल लेटर। यानी कि छपने में प्रिंट होने वाले दो तरह के अल्फ़ाबेट में दो तरह से अल्फ़ाबेट प्रिंट हो सकते हैं, एक कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर में। ज़्यादातर हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, कैपिटल लेटर में कम लिखते हैं। अब दोस्तों, जैसे इसमें भी सेम टू सेम उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जो लिखने में अंतर हो जाएगा, हमेशा अल्फ़ाबेट जो में कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है, कुछ खास जगहों पर होता है, कुछ खास वर्ड या सेंटेंस की शुरुआत में होता है, जबकि स्मॉल लेटर का कहीं भी लिख सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट कैपिटल को छोड़कर, जहाँ कैपिटल होता है वहाँ उसको छोड़कर। तो मिसमैच ना, जो इसके लिए तरीका भी है और मैंने बताया भी था कि इसमें से 14 ऐसा जो लेटर है, 14 लेटर जो होते हैं वो चार लाइन वाली अगर कॉपी ले ली जाए तो बीच में लिखी जाती है, बाकी सब ऊपर नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो कर्सिव राइटिंग वाली कॉपी लेकर उसमें इंग्लिश लिखने का प्रयास करना है, एक्सरसाइज बनाना है, कॉपी बनाना है, तो कॉपी ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, कॉन्सोनेंट को समझिए, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा, कि नहीं देखा तो आप यहाँ समझिए कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जिसमें जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, इन सबको हटा दे, इन सबको हटा दे तो जो बचता है वही कॉन्सोनेंट है। और इसके इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर कौन कौन से हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है किसी भी अंग्रेजी या इंग्लिश वर्ड को, वर्ड मीनिंग को पढ़ने के लिए। जैसे वर्ड अगर कोई पढ़ना है तो बी को बी लिखेंगे जरूर, लेकिन पढ़ेंगे ब, सी को मतलब ये सब सिंगल में ऐसे ही पढ़ेंगे जो लिख मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वर्ड मीनिंग में ये बदल जाएंगे। जैसे बी को ब बोलेंगे वर्ड मीनिंग में, किसी वर्ड में सी को क श बोलेंगे, किसी वर्ड में डी को ड द ज बोल सकते हैं,
एफ को फ जी को ग ज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखना है जी ओ ए टी गोट, तो ग बोल रहे हैं, ठीक है। लिखना है जी आर डबल ओ एम ग्रूम, ग्रूम बोलते हैं। लिखना है जॉर्ज जी ई ओ आर जी ई, तो पहला जी ज दूसरा जी भी ज जॉर्ज उच्चारण हो रहा है, यही है ना। एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को नाड़ा नाड़ा, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त, च स, च अस, टी को च भी बोलेंगे, टी को स भी बोलेंगे, टी को च भी बोलेंगे, टी को स भी बोलेंगे, यानी शुरुआत होता है। इसकी जानकारी आपको आने वाले स्लाइड में मिल जाएगा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में, कि टी से शुरू होता है च स दोनों चार। वी को व व बोलते हैं, डब्लू को व एक्स, और डब्लू को व एक्स को एक्स, और एक भी बोलते हैं वाई को या जेड को जा जा बोलते हैं। ये तो था दोस्तों कॉन्सनेंट, लेकिन अब कुछ इतर है, जैसे सी आई और सी ई को स पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सी एच सी के क्यू क्यू यू ई, इन सभी को क पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कि अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय, जब भी आप अंग्रेजी पढ़ते हो लिखते हो, तो उस समय वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। किन के लिए, जो बिगनर है उनके लिए, अगर ये याद रहेंगे कितने हैं, मैंने दिए हैं 70 बता दिए, हम 70 बता दिए हैं, तो आपको याद कर लेने होंगे। जैसे ए को क्या क्या पढ़ते हैं, कोई वर्ड मीनिंग में ए को क्या क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊँगा आगे। तो ए को दोस्तों अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ई को क्या क्या पढ़ते हैं, ई को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, छोटी पढ़ते हैं, बड़ी पढ़ते हैं, हालांकि ई बोला जाता है, और ए पढ़ते हैं। आई को दोस्तों अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, और आई पढ़ते हैं। ओ को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। यू को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ई यू पढ़ते हैं, ई यू। जबकि डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, सोच लीजिए, डबल ओ को दोस्तों अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, और ऊओ पढ़ते हैं, ऊओ, है ना। तो इनको आप याद ऐसे करिए जैसे आपके लिए बचपन का आ ई है, हमारा स्वर है, या बचपन का स्वर जो है, स्वर को समझकर इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग में ऐसे ही उच्चारण होंगे। जहाँ भी ये कहीं आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक उच्चारण होंगे ही होंगे। अभी तक आप लोग नहीं जानते थे, इसके वजह से आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते थे, आप कन्फ्यूज़ जाते कि अरे यहाँ ऐसे तो वहाँ ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड मीनिंग लीजिए जहाँ फंस रहे हुए, इसके चार्ट को रख कर आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसके साथ। जैसे देखिए एक मिडल में को आ पढ़ते हैं, मे ड डल, स्मार्ट आ पढ़ स्मार्ट, मेड ए पढ़ क्रैप, ऐ पढ़ क्रैप। क्रैप कैसे लिखते हैं, देखिए मात्रा चिन्ह ही लिखा जाता है ना, ऐ ये देखिए क्रैप। नेस्ट नेस्ट, ठीक है, यानी ए पढ़ते हैं। नीट तो ई पढ़ते हैं, है ना, या आप बोलते हैं सर्व लिखते हैं, एस ई आर वी ई सर्व, तो ई जो है, या यहाँ ई जो है वो अ ही पढ़ा गया है, एस के साथ भी और भी के साथ भी ई को अ पढ़ते हैं सर्व। उसके बाद सर्कल में आई को अ पढ़ते हैं सर्कल, पीन में ई को ई पढ़ते हैं, टीन में ई को ई पढ़ते हैं, और टायर में आई को आई पढ़ते हैं टायर टायर। उसके बाद देखिए ओ वाले में एस ओ एन को सन पढ़ते हैं, ओ को अ पढ़ते हैं सन सन। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं अबाउट, प्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं प्रूव, टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं तो टोन, सन में यू को आ पढ़ते हैं सन सन, है ना। अ पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं पुट, और म्यूट में यू को ईयू पढ़ते हैं म्यूट, म्यूट में क्या पढ़ते हैं यू को ईयू म्यूट म्यूट। एफ एल डबल ओ डी फ्लड, फ्लड में एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ को फ्लड, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ते हैं फ्लड
फ्लैट एम डबल एल मून में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं मून, और एफ डबल एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं फ्लोर, कुछ लोग फ्लोर पढ़ते फ्लोर, तो फ्लोर फ्लोर नहीं फ्लोर पढ़ते फ्लोर। अब चलिए दोस्तों, अब जानकारी रखिए कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं, याद रखिए 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें वोवेल में 5 लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स की संख्या ये है ए आई ओ यू। दूसरी दोस्तों कॉन्सोनेंट, जिसका दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या होती है 21, और इसका उच्चारण यहाँ पर जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है ये है जिसमें यानी अल्फ़ाबेट से ए आई ओ यू को गायब कर दे तो बचता है वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। और तीसरा एक और याद रख लीजिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को, जो कि अब 70 मिलेंगे, 64 से आपको और बढ़ा दिया गया 6, तो 70 मिलने वाले। तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ द वर्ड को एक सरसरी नज़र से देख कर उच्चारण कर, देखिए इधर जो है एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आपको जो बगल में मैं पढ़ूंगा उसका आप समझिए। जैसे टी एन को सर बोलते थे, टी से स हुआ कि नहीं, टी आई एन को सी एल बोलते, ट से टी आई से सी डी हुआ कि नहीं, तो स हुआ, टी से टी यू आर को चर बोलते हैं, टी से च हुआ कि नहीं, टी यू एल को चूअल बोलते थे, टी से चू हुआ कि नहीं, हुआ ना, ये मैं च स बोल रहा था, टी से च स बोलते हैं। अब पी आर को प्रो बोलते हैं, एस एन को सन जन बोलते हैं, एल ओ जी वाई को लॉजी बोलते हैं, टी आई को टिप बोलते हैं, आई एस को इज बोलते हैं, आई टी आई को सी ए बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हैं, आई ए जी को एज बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल इधर है, देखिए समझिए, ई एन को एन बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, सी एन को कम बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, टी एन टी को टेन बोलते हैं, ए एल को एल बोलते हैं, आई एल को ई एल बोलते हैं, एस आई बी को सी बोलते हैं, एन सी को एन बोलते हैं, ई एन सी को एन बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इधर दिया हुआ आप समझ लीजिए, जैसे देखिए कम, यहाँ से देखिए मैंने लिया प्री, पिछले स्लाइड में था प्री, और हैन, देखिए हैन यहाँ आ गया एच ई एन हैन, और सिब, सिब तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये यही में सिब, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब चलिए दोस्तों तेजी से मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, देखिए प्री वाला यहाँ है, प्री ये हो गया ना, प्री कॉम्प्रिहेंसिव का प्री यहाँ पर है ना, प्री, तो देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, ए टी ई को एट बोलते हैं, पी आर ई को प्री या प्रे दोनों बोलते हैं, ओ यू एस को अस बोलते हैं, सी यू एल को गल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, ए सी को एक पढ़ते हैं, एल ई डब्ल्यू एस को लेस पढ़ते हैं, लेस नेस वही वर्ड होता है, एल के को का बोलते हैं, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, ए सी यू आर ई को श्योर बोलते हैं, टी आर ई को ट्री बोलते हैं, ई सी ई ओ को इको बोलते हैं, हालांकि लॉजी भी मैंने बता दिया था, ई एन को अंड बोलते हैं, और यू आर एन को भी अंड बोलते हैं, इसको भी अंड बोलते हैं, ठीक है, ई आर एन को अंड बोलते हैं और यू आर एन को अंड बोलते हैं, डबल ओ के को बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, सी ई को का बोलते हैं, आई एन जी को इंग बोलते हैं, सी ई को सा बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, आई एन जी को क्या बोलते हैं, इंग बोलते हैं, सी ई को सा बोलते हैं, देखिए सी ई को क्या बोलते हैं, सा, आई एन जी को बोलते हैं इंग, दोस्तों सी ई को सा बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, डी जी को जो है जा बोलते हैं, डी जी को क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं, जी एन को जी एन में, अभी ये सब आपको समझ रहे हो ऐसे याद कर लिए, जी एन में जी एन को ना बोलते हैं, साइन एग्जाम्पल है। थर्ड स्लाइड देखिए और इसमें मजा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई एन टी को एंड बोलते हैं, टेंट रेंट, ई एम को इम बोलते हैं, आई एम को भी इम बोलते हैं, आपने देखा होगा, नहीं तो यहाँ से नोट कर लीजिए, आई एम को भी इम बोलते हैं, ई एम को इम, जैसे इम्प्लॉयड, इम्प्रेसिव, इम्पॉसिबल, ऐसे वर्ड होते हैं, ए वी एल ई को एबल बोलते हैं, जैसे कम्फर्टेबल, डी एस को डिस बोलते हैं, सी यू आर को क्योर बोलते हैं, आई एम को देखिए यहाँ इम यहाँ है ना इम, ओ यू डी को ऑन बोलते हैं, साउंड फाउंड, साउंड फाउंड ग्राउंड, ई आई सी को ई को बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, अन, ए एन को अन बोलते हैं, ओ एन को अन बोलते हैं, यू एन जी को अंग बोलते हैं, संग, ओपिनियन, ऑनियन, ह्यूमन, है ना, ओ एन को देखिए ऑन भी बोलते हैं, अन भी बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, हाँ ऑनियन में ओ भी बोला गया है पहला ओ एन को, और दूसरा है ओ एन को अन भी बोला गया ऑनियन, ओ एन ई को ओन बोलते हैं, ई ए को ई बोलते हैं, ई ए को ई बोलते हैं, जी एन को जन बोलते हैं, आई वी एल को ईवर बोलते हैं, ई एक्स को एक्स एक्स दोनों बोलते हैं, यू एन आई को यूनी यूनाई बोलते हैं, ओ आर को आर और बोलते हैं, जैसे कि मोटर, एफ ओ आर फोर, और में एफ लगा फोर हो गया है ना, मोर, जैसे अगर मर नहीं है, अगर मान लीजिए एम ओ आर रहता तो क्या बोलते हैं, मोर, ओ आर है ना, मोर, तो एफ फोर, फोर
फोर और हो गया। आर ई को री बोलते हैं तो रिजल्ट, यू एल को आल बोलते हैं तो कल्चर, डी को डी बोलते हैं तो डिजाइन। तो और इस ये वाला हमेशा अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों आप देखिए कि पर डे आपको क्या करना चाहिए। पर डे दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए आपको इंग्लिश अखबार लेना चाहिए, ओल्ड पेपर ले लीजिए। जी हाँ, कोई भी ओल्ड पेपर ले लीजिए, मार्केट से कहीं भी किसी अगल बगल से मांग लीजिए, किसी हॉकर से मांग लीजिए, एक पेपर मांग लीजिए। उस पेपर को तब तक चाटते रहिए पढ़ पढ़ कर जब तक कि आपको अच्छे से पढ़ना है। हर एक लेटर हर एक वर्ड को पढ़िए, चाहे आए ना आए तो फिर आप उसको देखना होगा। 64 पार्ट्स वर्ड को देख कर ही आप पढ़ना सीख जाएंगे। अंग्रेजी किताबें ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चों की किताबें ले लीजिए, या उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक बुक लीजिए, और भी पूरा ओल्ड ही लेना है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बजट आपका बढ़े नहीं। इंग्लिश मूवी देखना है जो हिंदी मीडियम जो इंडियन बनी हो इंग्लिश में, या डॉक्यूमेंट्री देखिए, या और दोस्तों इंग्लिश समाचार सुनिए, पर डे सुनिए, ताकि आपको अपने देश की एक्सेंट को पकड़ने में मतलब मिले। अभी मान लीजिए कि रशियन नहीं, मान लीजिए कि अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट या यूएस एक्सेंट या ब्रिटेन वाला यूके एक्सेंट को पकड़ कर भी आप क्या करेंगे, है ना? आपको तो वहाँ जाना है नहीं, तो यहाँ बोलिए इस तरह से, बोलिए उस तरह से बोलेंगे तो लगा कि वाकई में ये आ गया अमेरिका से या इंग्लैंड से। ऐसा नहीं करना है, पढ़ने की शुरुआत जो धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द प्रत्येक वर्ड का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना है ताकि आपकी कहे हुए बातें आपके दिमाग तक पढ़ सके। अब देखिए जो वर्ड मीनिंग इसके इंतजार कर रहे थे वो यहाँ है दोस्तों, अच्छे से कर लेंगे याद तो बहुत आपकी भाषा आपका बहुत ऊंचा स्थान दिला सकता है। आपकी भाषा आपको अच्छा इज्जत मान सम्मान में वृद्धि करा सकता है और रोजगार भी दिला सकता है। जैसे रिवर ब्रेट यानी गूंजना, प्रतिध्वनित होना या प्रतिध्वनित करना, प्रतिध्वनित होना या प्रतिध्वनित करना, रिवर ब्रेट। नेक्स्ट देखिए रिवर ब्रेट के बाद दोस्तों ये है विस्कस का अर्थ है चिपचिपा हो गया, चिपचिपा, लसलसा, विस्कस। अब देखिए स्लो सेट का अर्थ है नशे में धुत, बहुत पिए हुए को स्लो सेड कहेंगे, याद कर लीजिए स्लो सेड कहेंगे। अगला वर्ड भी तो रिवलरी मीन्स प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, मुकाबला को रिवलरी कहेंगे। नेक्स्ट है तो डिस्प्यूटेशन को बोलते हैं तर्क वितर्क, वाद विवाद या वाद को बोलते हैं डिस्प्यूटेशन को तर्क वितर्क, वाद विवाद या वाद विवाद कहते हैं। अब देखिए लेचेरस को बोलते हैं लंपट है, विलासी है, कामुक व्यक्ति है, व्यभिचारी है भाई, लेचेरस मैन है, लेचेरस गर्ल, लेचेरस विमन है बोल सकते हैं। विजारे का अर्थ है अजीब अनोखा विचित्र या बेमेल को बोलते हैं बिजारे, क्या बोलते हैं बिजारे। नेक्स्ट है तो रिक्रूडेसेंस यानी पुनः प्रकोप या पुनरावर्तन। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ग्रफ, ग्रफ का अर्थ है रूखा कर्कश अखड़ या अभद्र को ग्रफ कहते हैं, ग्रफ। रिगमारोल मीन्स होता है अनर्गल प्रलाप को रिगमारोल कहेंगे। बकवास लंबी कठिन कार्य को रिगमारोल कहेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है विविफाई
बीबी फाइव को दोस्तों जान डालना प्राण डालना जीवन प्रदान करना बीबी फाइव। नेक्स्ट इज रेस्टिव को हठी अड़ियल जिद्दी या अनियंत्रित कहेंगे हठी। दोस्तों ज़्यादा नहीं 12 वर्ड मीनिंग है और इस 12 वर्ड मीनिंग के अनेकों हिंदी उदाहरण है जो कि याद करके इन हिंदी उदाहरणों की जगह अगर आप इस इंग्लिश को बोलते हैं जैसे नशे में धुत बहुत पी हुए की जगह आप स्लो सेड कर दें तो कितना मजा आएगा। स्लो सेड। तो चलिए आप अच्छे से हर एक चीज़ को याद रखिए। जैसे लेचरस कह सकते हैं लेचरस है ना, क्लम्पट बिलासी कामुक व्यभिचारी। दोस्तों रेस्टिव जैसे हठी अड़ियल जिद्दी अड़ियंत्रित, इन सब वर्ड्स को अच्छे से उच्चारण याद कर लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी के बुक से मैंने ये टेक्स्ट लिया है आपके लिए और इस टेक्स्ट को पढ़कर आप अच्छे से सीख सकते हैं कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, इसमें 64 पार्ट्स वर्ड का कैसे यूज होता है, हमारे अल्फाबेट के सारे उदाहरण उच्चारण का कैसे यूज होता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसका सीखना है कि कैसे इसका क्या हिंदी होगा तो अनुवाद ट्रांसलेशन तो मैं यहाँ वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बस आप एक बार पढ़ तो लीजिए, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो मैं यहाँ ही आपका सोल्यूशन कर दूंगा, आप उसमें से करेक्शन भी कर कर अपना जो है गलतियों को सुधार सकते हैं और आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों आप यहाँ से पढ़ना शुरुआत स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं चलिए पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देखिए री है ना, रिसोर्सेस आर जेनर इरेगुलर अर्नर और अल जो है आर क्या लगा तो रल एल वाई जो है ली जनरली क्लास यहाँ होगा क्लासीफाइड इनटू नेचुरल चर के साथ अल जुड़ गया है तो नेचुरल ह्यूमन एन कौन बोलते हैं, यही पार्ट है हमारा एम लगा तो मन मैन नहीं पढ़ेंगे ह्यूमन ए के बाद ई है तो एक औचार एक रूप में हुआ एम के साथ लगा तो ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज अब देखिए रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, देखिए चर है नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच, यू को आप बोलते हैं मच मॉडिफिकेशन, यहाँ देखिए सन मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल है ना रल, ये देखिए चर नेचुरल रिसोर्सेज द एयर वी ब्रीदेन है ना ब्रीदेन हो गया एन लगा दीजिए यहाँ एम नहीं एन ब्रीदेन द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन देखिए इन एसो मी सम ये के बाद ही है तो एक औचारण एक के रूप में हुआ केसेस टूल्स एंड सी टी ई सी एच को टेक बोलते हैं टेक एन ओ को नो एल ओ जी वाई को लॉजी टेक्नोलॉजी ए वाई को बोलते हैं ए तो एम लगा तो हो गया मे टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचर चर के साथ अल लग गया तो नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे पॉसिबल छोड़ गया है तो पॉसिबल वे याद रखना है। तो चलिए अगर आप पहले आपने नहीं पढ़ा तो फिर से मैं कहूँगा पढ़ लीजिए और आप अपना करेक्शन कर लीजिए कि क्या आप गलतियाँ कर रहे थे, क्या आपको करना नहीं चाहिए था, इस सबको समझिए। दोस्तों अगर आपने करेक्शन कर लिया है तो मैं इसे अब थोड़ा सा आपके लिए समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पढ़ लीजिए फिर से यहाँ से पहला कि रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, कहा जा रहा है कि संसाधनों को आमतौर पर प्राकृतिक ठीक है नेचुरल प्राकृतिक ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित और ह्यूमन यानी मानव में वर्गीकृत किया गया है।
अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है, इसका ये हेडिंग है, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। क्या है नेचुरल रिसोर्स को कैसे कहेंगे, डिफाइन करेंगे कि वे जो प्रकृति की से प्राप्त किए जाते हैं और बिना अधिक संसाधनों के उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए द एयर वी ब्रीद इन है ना, हवा जो हम लोग लेते हैं, द वाटर इन द आवर रिवर्स जो पानी नदी में है, जो झील में है ना, द सॉयल्स द मिनरल जो खनिज, सॉयल्स जो मिट्टी है, जो मिट्टियाँ मिनरल जो खनिज आर ऑल नेचुरल रिसोर्स, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज अनेक संसाधन जो है, इनमें से अनेक संसाधन जो हम लोग को फ्री गिफ्ट देता है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। एंड और कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं, जैसे पानी का, हवा का, मिट्टी का डायरेक्ट करते हैं। इन द सम केसेस कुछ जो है केसेस का मतलब हो गया यहाँ पर कि केस नहीं, कुछ केस मीन्स मामला, कुछ मामलों में टूल्स यानी यंत्र और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसका नेचुरल रिसोर्स को जो है बेस्ट पॉसिबल वे में यानी कि बहुत अच्छा उत्तम जो है जो आवश्यकता है उसको अपनाते हैं, उसको मतलब इस्तेमाल करते हैं, स्रोत बनाते हैं। दोस्तों ये था इसका कैसे इसका ट्रांसलेट जो था वो मैंने किया, और इसको दोबारा देखने पढ़ने के बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अपनी भाषा को अगर उन्नत बनाना है इंग्लिश के थ्रू है ना, यानी इंग्लिश को और अच्छे से अपने आप में समाहित करना है तो ऐसे काम जरूर कीजिए, प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी इंग्लिश सीख सके, और नए तो चैनल देखिए बेल आइकन को हिट कीजिएगा तो वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मोबाइल पर जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। वीडियो एक बार नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।